लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी में लगातार बिजली की कटौती से परेशान हैं लोग। राजधानी लखनऊ का वीवीआईपी एरिया कहा जाने वाला गोमती नगर विस्तार का दुर्गापुरी कॉलोनी में हर 15 मिनट में बिजली कटौती की जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, वहीं बिजली की भारी कटौती हो रही है। वीवीआईपी एरिया में बिजली कटौती हो रही है तो प्रदेश के गाँव इलाकों में आखिर क्या होता होगा। मुख्यमंत्री के आदेश को ताक में रखते हैं बिजली विभाग के कर्मचारी। गोमती नगर विस्तार में सबसे ज्यादा होती है बिजली की कटौती। कंप्लेन करने के बाद भी पूरी मनमानी की जाती है और बिजली विभाग के कर्मचारी पूरी मनमानी करते हैं। 42 से 44 डिग्री सेल्सियस पारिश में मुख्यमंत्री कहते हैं बिजली की कटौती ना हो, वही बिजली की भारी कटौती हो रही है। गर्मी से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और बिजली विभाग की मनमानी जारी है। बिजली का बिल बकाया करने वालों को भी बख्शा नहीं जा रहा। इस गर्मी में जमाजम बिजली विभाग के कर्मचारी घरेलू कनेक्शन काटने में लगे हुए हैं। बिल भुगतान के बावजूद भी बिजली की कटौती में कमी आने का नाम नहीं। आपको बता दें, इसी तरह अगर बिजली की कटौती होती रही तो आम जनता का आखिर क्या होगा। शासन प्रशासन के बाद अधिकारी स्थिति धूप में और गर्मी में बिना बिजली के 2 घंटे बाहर रहकर तो दिखा दें कि आखिर गर्मी होती क्या है। ऐसी में रहने वाले बड़े अधिकारियों की कान में गरीब की आवाज नहीं जा रही, क्योंकि इस गर्मी में बड़े अधिकारी घर से बाहर ही नहीं निकलते। आगे देखने वाली बात यह होगी कि आज डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई करती है। आइए देखते हैं रोहित गिरी की खास रिपोर्ट। यहाँ तक लाइट नहीं आई, कब से नहीं आई, 3 दिन हो गया। पानी की क्या व्यवस्था? पानी की भी वही व्यवस्था है, पानी भी वो जब बिजली आती है उस समय थोड़ा पानी आ जाता, नहीं तो नहीं आता। आई वो इधर नहीं आता। 3 दिन से लेके जी नल पर नल चल रहा है, वो न हो तो पीने के पानी नहीं मिले। यानी कि लाइन के पास में ये कब से ये समस्या? ये समस्या तो मतलब बराबर था, लेकिन 3 दिन से ज्यादा हो गया है। हाँ बिल्कुल, बिजली वाला इस समय बिजली लगाने के समय है, गर्मी में वो बिजली बंद करके बिजली लगा रहा है। बिजली लगाने के टाइम है, बरसात है और क्या नाम है सर्दी, उसको बिजली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब ताप की गर्मी पड़ी है तब वो बिजली लगा रहा है, लाइट बंद। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? तब सरकार क्या सुविधा देना चाहती वो तो बताए, हम क्या बताएंगे, हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सुविधा तो दे रहे हैं 2 दिन से लाइट। हाँ यही सुविधा दे रहे हैं कि लाइट नहीं, 3 दिन से यही परेशानी है। तो इसके लिए बिजली विभाग का कुछ मैसेज देना चाहेंगे सरकार? अब बिजली विभाग जो है टाटा का नहीं है, डालमिया का नहीं है, ये जनता की है। ये जनता की है तो जनता की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए बिजली विभाग बना है ना। आपका परिचय? भैया हम बहुत ज्यादा गर्मी से परेशान हैं। ये अपना परिचय? मैं बता तो रही हूँ, मैं अपनी गर्मी से परेशान हूँ। हमारे घर में पूरे मोहल्ले में इतने लोग परेशान हैं कि रात रात में ऊपर ऐसे लेटे रहते, एक तो हवा नहीं चलती है उधर, रात भर लाइट आई और इधर 3 दिन से लगातार लाइट नहीं आ रही, ना पानी आ रहा। बताइए हम लोग कहाँ जाएं, क्या खाएं और क्या बनाएं? सबसे समस्या बाथरूम कैसे जाएं, पानी की सबसे बड़ी समस्या, सबसे ज्यादा पानी समस्या और लाइट नहीं है तो पानी नहीं है। अभी तो सरकार बना भी नहीं बिजली पानी की बढ़िया सुविधा। अनंतराम है और हम यही पर रहते हैं, मैं आरपीएफ से रिटायर हुआ हूँ और अभी फिलहाल पहले से कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन इस समय मतलब गर्मी की वजह से इतनी हालत खराब है, लाइट की वजह से बहुत परेशान है। अब ये हालत हो गई है कि कभी वो तो खंबे के नीचे देखे शायद वहाँ जाके बैठना पड़ता है बच्चों को, कभी बेचारे लाइन पे जाकर खड़े होकर करते हैं। ये हालत हो रही है, बीमार पड़े हैं बच्चे, दस्त लगे हुए बच्चों को, कुछ मतलब परेशान हो रहे थे इनकी गर्मी से डाइड्रेशन के भी। जी ये तो जाहिर सी बात है कि गर्मी 3 दफा टेस्ट हो गया है, सुबह दस्त लगे मुझे खुद ही, 3 दफा मैं खुद गया हूँ आज। इस मुद्दे पे क्या संदेश देना? बस हम यही चाहते हैं कि मतलब पानी बिजली का बंदोबस्त करिए, हम यही चाहते हैं कि बिजली का पानी का बंदोबस्त करिए। बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बच्चों को साथ लेके इसलिए कह रहे हैं। हाँ रेखा जी, गर्मी का आनंद ले? अरे बहुत परेशान है हम लोग गर्मी से। अगर आप लोग ऐसे आनंद ले जी तो समझ में आ जाए कैसा आनंद होता है। यानी कि पुरानी जमाने का मंदिर सब दिक्कत नहीं होता, बस इधर बहुत दिक्कत है, लाइट पानी का बैना हिला बस। नहीं नहीं सर, बहुत बैना हिला लिया,
कल सुबह से लेकर के रात में आधी लाइट आ रही है, इधर बार कोई लाइट नहीं है। पानी तो मतलब धीमा, पता नहीं वाल खोला जा रहा है क्या है कि उस साइड पानी आता है, इधर इतने में नहीं आता। हम लोगों ने वालों से वहाँ मुलाकात हुई तो वो लोग वीडियो दिखा रहे दूसरे देश मतलब क्षेत्र का, तो क्या हम लोग इंसान नहीं है? हम लोग उन लोगों को प्रॉब्लम बता रहे हैं। अब तो राजधानी का है। अरे कुछ भी हो, हम लोग बोले कि लाइट क्यों नहीं आ रही, तो करंट एक घंटे में आ जाएगी। उसके बाद फिर गया, फिर बोले कि अभी चलो हम लोग चल रहे बनाने, सामान नहीं आया। तो आप लोग को पहले मतलब ये सब करना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग ने इतना मतलब बोला कि भैया चलो बच्चे हैं, कम से कम इसके लिए तो करो। उनने बोला तुम चलो घर आ रहे हैं, तुम्हारी लाइट दो घंटे में चालू हो जाएगी। दो घंटे से कितना घंटा हो रहा आप बताइए, कितना घंटा हो? अरे रात से आप जोड़ लीजिए, 1:30 बजे से गई है यहाँ, 8 बजे से लाइट गई है। 8 बजे से हम लोग समस्या बता रहे हैं और फोन भी किया जा रहा है, बिजली विभाग को फोन भी किया जा रहा है। क्या जवाब? उसका ये जवाब आ रहा है कि ट्रांसफर किया जा रहा है कॉल, आपको अधिकारी से बात कराई जा रही, मगर जैसे ही अधिकारी को कॉल लगता है कट जाता है फोन। तो कम से कम नंबर तो कोई बताइए जिससे हम लोग, लाइट नहीं है ना इसीलिए कट जा रहे। अरे फोन और लाइट से बहुत अंतर नहीं है तो लाइट इसलिए कट जा रहे, तो ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है फिर, मोबाइल चार्ज नहीं। तो हम लोग कल सर वहाँ कहे कि क्या हम लोग इंसान नहीं है, तो उनको यही जवाब था कि भैया हम भी परेशान है। अरे आप परेशान नहीं, आपके खुद तो लाइट आ रही है, लाइट नहीं तो उनका मोबाइल डिस्टर्ब।